हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? अच्छा ही होंगे। तो आज फिर से एक नया ब्लॉग शो करने जा रहा हूँ। तो आज मैं मिर्च का सीड कैसे उगाते हैं, उसको उसमें क्या क्या देना होता है, उसका बीमार लगने से क्या देना होता है, तो चलो शो करते हैं। और मिर्च का सीड मैंने उगाया था, ये देखिए इतनी अच्छा से ग्रो हो रहा है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरी तरह देखना ताकि आपको अच्छा से समझ आ जाए। साथ ही आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। प्लांट का सीड जो बेड बनाया था वो कहाँ रखने से आपका जो प्लांट है जो अच्छा होगा और स्वस्थ होगा। प्लांट जैसे ही डायमिशन आएगा तो उसमें एक फंगस का बीमार लगता है, तो उसमें आपको इंडोफिल है वो 2 ग्राम 1 लीटर पानी, और सफल जो सांप भी होता है वो 5 ग्राम 5 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे करना पड़ेगा, तभी तो आपका वो फंगस बीमार नहीं लगेगा। और ये आप जहाँ सीज उगाएंगे वो धूप में रखना पड़ेगा, तभी तो आपका ये बीमार कम लगता है, वो छाँव में रखने से उसका बीमार ज़्यादा लगता है। आप वीडियो में आगे देखेंगे मैंने कैसे एक पॉट में ये सीड उगाया था, तो चलो देखते हैं। इसके लिए मैंने सोयल मिक्स किया था, मिट्टी, और उसके साथ दिया था कोकोपीट मिक्सचर और पामी कम्बोस, ये सबको अच्छे से मिक्स किया था। साथ में वो नीम के एक भी दिया था ताकि उसमें कीड़ा ना लगे। अभी मैं चिली का जो सीड उगाया था अभी थोड़ा थोड़ा ग्रो होने शुरू हो गया और जमीशन आना शुरू हो गया है। अब ये देख सकते हैं 1-2 के जमीशन आ रहा है, अब धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो मैंने कैसे किया था चलो देख लेते हैं। इसके लिए सर मैंने इस मिर्ची को एक रात के लिए भिजा दिया था और एक कपड़े में लपेट के इसको एक पॉट में जो उसमें हम रेत अच्छे से भर लिया था उसमें डाल के हम 3 से 4 दिन के लिए हम रख देंगे। अभी ये मैंने पॉट ले लिया है, अब इसमें ये मैंने पॉट ले लिया है, इसमें रेट अच्छे से ले लिया है भर्ती करके। अभी इसमें 3 से 4 दिन हमने रख दिया था, अब देखिए इसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा ये चीज़ जामेशन होने लगा है। अब कितना जामेशन आया है हम खोल के दिखाएंगे, तो चलो देख लेते हैं। अभी ये लगभग पूरी तरह जामेशन आया, 90% पूरा जामेशन आ गया देखिए। अब इसमें हम मालाथिन पाउडर जब 5% डस्ट होता है उसको इसको मिला के और किया के लिए हम ये इसमें मालाथिन डस्ट मिला के देंगे। अब थोड़ा सा सीड जो भिजाएगा तभी इसको अच्छे से मिक्स कर देना, तभी वो मालाथिन पाउडर पूरी तरह लग जाएगा। तो इसके हम ये पॉट बना रेडी कर लिया है, इसमें मिट्टी सोयल और वर्मी कम्पोस्ट अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा अलग से रखा है ताकि ये ऊपर छिड़कने के लिए काम आएगा। तभी मैं अब मालाथियन पाउडर ले लिया हूँ, मालाथियन पाउडर 5% डस्ट जो कीड़ा के लिए काम आता है, नहीं तो वो कीड़ा जो होता है चीज़ को खा लेने से आपका जमीशन कम जाता है। तो ये आप मालाथियन पाउडर ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब इससे थोड़ा सीट थोड़ा भिजना रहेगा तभी इसको देखिए अच्छे से मालाथियन पाउडर और मिर्च का सीड दोनों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि और चीज और पाउडर अच्छे से लग जाए, तो इसमें को कीड़ा लगने की संभावना बहुत कम जाता है और पूरी तरह सीड जमेशन आना शुरू होता है। तो मैंने ये सब अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये पॉट रेडी कर लिया है। अब इसमें ये सीड छिड़क के आपको दिखाएंगे। अब वो एक एक करके अच्छे से मिक्स करके छिड़क देना है और जितना वो आप अच्छे से छिड़केंगे तभी आपका सीड ग्रो होगा। हम अब अच्छे से छिड़क देंगे, इसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डाल के गुठी को अच्छे से ढक देंगे ताकि वो जामे से आने में सुविधा हो, नहीं तो धूप में वो सीड्स खराब हो जाते हैं। तो आप ये सीड्स छिड़क के उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल देंगे और थोड़ा पानी दे के 2 दिन के लिए आप प्लास्टिक का बस्ता भी ले सकते हैं और बनाना के पत्ते भी दे सकते हैं
और उसमें अच्छे से ढक देना है, दो या तीन दिन के लिए ढक दे, उसके बाद फिर उसको हटा दे, नहीं तो ज़्यादा ऊँचा हो जाएगा तो फूली खराब होता है। अब ऐसे कर लीजिएगा। मेरा अभी ये सीट सिवकने का काम पूरा हो गया, आप इसमें पानी भी डाल दिया। अभी ये बस्ता होता है जो सिटी का प्लास्टिक का बस्ता ले सकते हैं, उसे अच्छे से ढक दे दो दिन के लिए, इसके बाद रिजल्ट क्या आता है हमको दिखाएंगे। अभी ये हो गया आप दो से तीन दिन, अब देखिए हम बस्ता हटा दिए और ये डायमेंशन आना शुरू हो गए। अभी चिली का प्लान डायमेंशन आना शुरू हो गया है। अभी देखिए दो पत्ता आने शुरू हो गए, तो अभी इसमें फंगस का बीमार लगता है, तो इसमें आपको इंडोपिल 2 ग्राम 1 लीटर पानी और साफ जो हो रहा है 5 ग्राम 5 लीटर पानी में इसको स्प्रे करना है। अभी ये इसमें हम फंगिसाइड का बीमार लगता है, तो इसमें आप इंडोपिल 2 ग्राम 1 लीटर पानी या साफ जो हो रहा है वो 5 ग्राम 5 लीटर पानी मिक्स करके स्प्रे करना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार स्प्रे करने से ये फंगस बीमार आपका नहीं लगेगा, तो आप स्प्रे कर लीजिएगा। फंगस बीमार का जो मेडिसिन हम समय समय देता है वाटरिंग करता है, तो अभी ये देखिए अब मेरा चिली का जो प्लांट है अच्छे से ग्रो हो गया है, तो अभी ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। आज के लिए वीडियो इतना ही, चाहे खुश रहे शांति रहे। जय हिंद जय भारत।